आज चौथा नवरात्रा यानी के कुष्मंडा। लेट्स टॉक अबाउट द साइंस बिहाइंड देम। चार चौथा दिन सबसे नीचे अगर आप देखेंगे कि दिस इज ए माइंड बॉडी सोल डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब क्या है कि आपने नवरात्रे करने हैं, फास्ट करना है। फास्ट का मतलब है एपोप्टोसिस बढ़ानी है, सेलुलर टॉक्सिंस को अपने बाहर निकालना है। तो जैसे ही पहले दिन आप करेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना है, डिजायर्स टू ईट, डिजायर्स टू स्टे सात्विक। उसके लिए आपने अपने अंदर का बुल यानी कि अपने अंदर की डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए आपने प्रैक्टिस करना है ठंडे दिमाग से, बैलेंसिंग योर माइंड, त्रिशूल एंड लोटस डिटैच अटैचमेंट। यानी कि आपने अपने विचारों को, अपनी डिजायर्स को डिटैच करना है। जैसे ही पहले दिन की प्रैक्टिस करोगे, दूसरे दिन आपकी डिजायर्स कम हो जाएंगी, द बुल हैज डिसअपियर्ड। और जो आपने पहले दिन किया है उसे रिपीटेड करना है, दैट इज रोजरी। और उसके बाद में आपने अपने अहंकार को कम करना है। कमंडलू मीन्स पंपकिन, पंपकिन का मतलब होता है उसमें से सारा गुदा निकाल के उसमें पानी भर देना, उसे कमंडलू बोलते हैं। यानी कि आपने अपने दिमाग से सारी अहंकार को निकाल के आपने उसमें साफ पानी भर दिया, प्योरिटी विच इज द क्लॉथ। थर्ड डे इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नवरात्र के अंदर में आपने 2 दिन तो निकाल दिए, 3 दिन के अंदर में बार बार गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, रजस आएगा। आप बिल्कुल अपसेट हो जाएंगे, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। इसलिए तीसरा दिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, तीसरा ही दिन कोविड-19 में भी इंपॉर्टेंट है। जब भी बदलाव लेते हो तीसरे दिन आपका रिएक्शन है, तीसरे दिन आपका जो पीरियड है, पहले 2 पीरियड जो होते हैं यूफोरिया, थर्ड डे इज द डे ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आपने रिएक्शन को कंट्रोल करना है, गुस्से को कंट्रोल करना है। यानी कि साड़ी और लायन, शेर, शेर को अपने अंदर के एंगर को, अपने अंदर के गुस्से को आपने कंट्रोल करना है। पूरी बॉडी भी लाल है, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान 10 चीजें बताई गई हैं जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। पहला त्रिशूल, अपने मन को कंट्रोल करो। दूसरा लोटस, अपनी डिजायर्स को, अपने एंगर को डिटैच करो। तीसरी रोजरी बार बार करो। चौथा कमांडलू, अपने अहंकार को कम करो। ये 4 वही हैं जो पहले 2 दिन के थे, उसे आप प्रैक्टिस करो। 2 हाथ ऐड हो गए, एक है वर देना और एक है अभय देना। वर देने का मतलब है उस दिन सब लोगों को जो मांगे वो दे दो, और अभय का मतलब है कि अगर उसे माफ कर दो। सो 2 हाथ देवी के यानी कि एंगर का उल्टा करो, स्टार्ट डूइंग अपोजिट। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, उनके गुस्से उनको माफ कर दो और उनको अभय दान दे दो और उनसे पूछो क्या चाहिए, वर दो उनको। इसके अलावा 4 हाथ और हैं, एक हाथ में धनुष है और साथ में तीर है। यानी कि तीसरे दिन आपने झुक के तीर कमान लेके यानी कि पूरी कोशिश करनी है कि तीसरा दिन मेरे को डिफिकल्टी ना हो। दैट इज तीर एंड धनुष। तीर मीन्स फोकस, धनुष मीन्स झुक के, आपने अहंकार में नहीं आना। उसके अलावा 2 चीजें और हैं, तलवार और मेस यानी कि गदा। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं तो या तो आप उसको शार्प इंटेलिजेंस यानी कि तलवार से आप उसको बोलो नहीं, और नहीं जाता तो गदा से बोलो तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो तेरी बात नहीं मानता। यानी कि तीसरे दिन जब आपने अपने गुस्से को काबू पा लिया तो चौथे दिन विच इज खुशमंडा, खुश मंडा, क कम उष्म मंडा अंडा, अलग अलग नाम है। लोग समझते हैं कि मेरे अंदर का डीएनए में हैप्पीनेस है। लोग बोलते हैं कुशाग्रास का इसका रूप है। लोग बोलते हैं कि मंडा मीन्स पंपकिन, ये पंपकिन से ईगोलेस स्टेट है। जो भी आप माने, नाम इनका कुशा मंडा है। और अगर आप देखेंगे तो आप 2 हाथ कम हो गए, ये भी शेर के ऊपर में बैठे हैं। यानी कि इस दिन भी आपने अपने गुस्से को शांत रखना है। तीसरे दिन में अगर आपने अपना गुस्सा शांत कर दिया तो चौथे दिन आपको
कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके दो हाथ चले गए। जो अभय मुद्रा वो रहेगी, जो आपने लोगों को वर देने वाली मुद्रा वो रहेगी। इसके अंदर में धनुष और फोकस यानी कि तीर रहेगा, लोटस भी रहेगा इसके अंदर में, और जो ऐड हो जाएगा माला भी रहेगी इसके अंदर में। जो ऐड हो जाए, जो चला जाएगा वो है चक्र, चक्र इसमें से चला जाएगा, कमांडलू भी इसके अंदर में रहेगा। तो क्या आ जाएगा? चक्र किसके बदले? तलवार के बदले। प्यार से नहीं है तो तेरी ऐसे की तैसी, अपने अपने अंदर के गुस्से को बिल्कुल खत्म करना है। तो अगर आप इसमें देखेंगे गुलाब कमल का फूल ऊपर भी है नीचे भी है, धनुष तलवार वहां पर भी है यहाँ पर भी है, हाथ के अंदर में आपने दो हाथ भी आपने इसमें ले लिए, और चक्र भी है, मेड भी है, रोजरी भी है इसके अंदर में, और एक कुछ लोग इसमें अमृत कलश को दिखाते हैं और कुछ लोग इसको अभय मुद्रा में दिखाते हैं इसके साथ में। सो कहने का मतलब है बेसिकली कुशामंडा मीन्स आज मेरे को कम मेहनत करनी पड़ेगी कंपेयर टू द थर्ड डे, लेकिन फिर भी अगर मेरा मन डबाडोल हुआ तो मैं चक्र से उसको अपनी भावनाओं को अपनी वासनाओं को अपनी डिजायर्स को खत्म कर दूंगा। ये चार बेनिफिट्स आपको पहले चार दिन में मिलेंगे।